सेहत से मुतालिक आप बात करेंगे जी, बिल्कुल। और सेहत से मुतालिक बात यह है कि बहुत से अमराज का हमें सामना रहता है और बिलखसूस मौसम के हिसाब से भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, उनके न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट वो होते हैं, मामलात होते हैं, क्या कुछ हो सकता है इस पर हम ज़रा बात करेंगे। तो एक एक बीमारी है जिसका नाम कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बेल्स पाल्सी या उसे लकवा भी कहा जाता है। अच्छा, उसके अंदर फेशियल जो आपके एक साइड के फेस होता है उसके पैरालिसिस उस पर देखा जाता है, और उसकी वजूहात मत वो नर्व होती है बेसिकली फेस पे जो जा रही होती है, या क्या वजह होती है उसकी जो आपके फेस को मुतासिर करती है। एक साइड से शख्स का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, अगर बिल्कुल जी वीकनेस होती है और फेशियल मसल की, या फिर उसके साथ साथ उसको हिलाने जुलाने से वो कासिर होता है, छपकने की अहलियत भी थोड़ी मुतासर होती है, फिर साथ ही खाने के जायके से भी महरूम हो जाता है, और 3 महीने के इलाज के बाद इंतहाई सुस्त रवि से वो फिर बेहतरी चेहरे के एक हिस्से पे बेसिकली ये होता है। हाँ। और बज़ाहिर कहा जाता है कि ये अचानक स्टार्ट होता है, फिर 48 घंटे में सिवेरिटी इसकी आ जाती है, फिर उसके बाद फेशियल नर्व में डैमेज की वजह से ये अक्सर ये वाकया पेश आता है। लेकिन जाहिर वी आर नॉट दी एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस पर बात करेंगे वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। थैंक यू सो मच औरंगजेब साहब। भाई ये बताइए कि ये जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज़ है ना, कि विदाउट एनी बेल्स एंड विसल्स, विदाउट एनी सिम्टम्स, ये अचानक ही आपके ऊपर हमलावर होती है, तो ये सडनली किसी को भी कभी भी हो सकती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बेल्स पाल्सी जो है ये जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सडन होती है और किसी को भी हो सकती है, फ्रॉम एनी एज, इवन यंग एज में अप टू 60-65 ईयर्स लोगों को ये होती है, और ये जो पर्टिकुलर सीजन है सर्दियों का इसमें मोस्ट कॉमन है। अच्छा, हाँ, इसमें मोस्ट कॉमन इसमें ये होता है चेस्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, अम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो, वायरसेस बॉडी जल्दी लग जाते हैं सीजन में, तो उसमें जैसा कि जोस्टर वायरस है, हर्पीज जोस्टर या हर्प्स, हाँ एग्जैक्टली, और हर्ब्स फैमिली, बल्कि उसकी पूरी फैमिली आप कह दें। अच्छा। और एप्स्टीन बार वायरस है, तो ये वायरसेस हो गए। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स हों, उसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, तो ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ जाता है, अनकंट्रोल्ड रहता है उनमें ज़्यादा, और जैसा कि अमूमन कहा जाता है कि नहाने के बाद फौरन ठंडे जगह पे आना या एयर कंडीशन के बिल्कुल उसमें बैठना, जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, मतलब और एक्सट्रीम वेदर एक्सट्रीम कंडीशन से एक दूसरी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, उसमें ये होता है कि नर्व जो है फेशियल नर्व बहुत सेंसिटिव हो जाती है या पैरालाइज्ड हो जाती है फॉर सर्टेन टाइम, एंड अगेन उसकी सीवियरिटी जैसा कि आपने बताया कि अराउंड 48 आवर्स बहुत ज्यादा हो जाती है, पेशेंट परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सिवियरिटी में क्या हो, सिवियरिटी में एग्जैक्टली पेशेंट की आंख बंद नहीं होगी, वो ऊपर की तरफ प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे, इस तरफ पसीना नहीं आएगा, उनके जो माउथ का टंग का टेस्ट है पर्टिकुलर साइड का, राइट या लेफ्ट जिस तरफ भी हुआ है वो चला जाता है। अच्छा, तो लेकिन ये रहता चेहरे तक ही महदूद है? जी हाँ, चेहरे तक महसूस, एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज भी, कुछ लोग इसको एसोसिएट करते हैं विटामिन सी के डेफिशिएंसी। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, वायरसेस की वजह से ज्यादा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, इवन प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। अच्छा, तो उनमें ये हो जाता है जो भी इस तरह की, और इन कंडीशंस में मोस्ट कॉमन रीजंस हैं। उसके अलावा लेस लाइकली फालिज हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो, उसमें भी होता है लेकिन वो लेस लाइकली है। तो इस कंडीशन को इस तरह देखा जाता है, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो यूजली जैसा कि अशफाक ने कहा कि सिर्फ फेस तक ही होता है और सडन हुआ है तो हम उसको बेल्स पाल्सी की तरह लेते हैं, लेकिन अगर वो ब्रेन के किसी और हिस्से के साथ एसोसिएटेड है तो फिर पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। वो कहेगा कि लेस लाइकली है। हाँ, वो लेस लाइकली है, वो कहेगा मुझे हाथ में भी आ रहा है, मुझे टांग में भी महसूस हो रहा है, तो इस तरह की। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि सबसे, अब जाहिर है कि किसी को हो गया तो सबसे जो सजेस्ट किया जाता है एंटीवायरल्स या फिर स्टेरॉइड्स, क्या एग्जैक्टली इसका जो इलाज है वो स्टेरॉइड्स है। ओके। और उसके साथ एंटीवायरल्स दिए जाते हैं, एसाइक्लोवायर मुख्तलिफ है, वो जब पेशेंट्स आते हैं तो उसका एक डोज होता है जो अराउंड 1 मंथ होता है। अच्छा। जिस तरह से आप पूछ रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो 1 मंथ तक हम स्टेरॉइड्स पे रखते हैं और उसके साथ एंटी वायरल्स भी देते हैं, एसाइक्लोवायर, और साथ में फिजियोथेरेपी भी चलती है फेस की, ताकि फेस के मसल्स की टोनिंग होती रहे, ताकि वो टोन ले, स्टिमुलस भी दिया जाता है विद करंट थोड़ा सा जो होता है, ताकि वो स्टिमुलस भी हो और साथ में
फिजियोथेरेपी भी होती है उसकी, ताकि मसल्स अपनी टोन को पकड़े. दैट इज, ये सारी चीजें मिला के बहुत इफेक्टिव. कुछ आपको कुछ ऐसा होता है कि मतलब कुछ मसल्स जो है उस तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाते बेल्स पाल्सी की अलामत जाने के बाद? एक्चुअली इसकी रिकवरी तकरीबन ये समझे 98% हो जाती है बेल्स पाल्सी की, लेकिन उस पर टाइम लगता है 3 months to 6 months. ये समझे कि 3 months तक पेशेंट बेहतर हो जाता है. हाँ, 3 months इज अ एग्जैक्ट टाइम जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट में बेहतरी आ जाती है. लेकिन अमूमन लोग परेशान बहुत हो जाते हैं क्योंकि चेहरा है ना, तो लोग जब आते हैं वो बहुत ज्यादा वैरिड होते हैं और हमसे मुख्तलिफ चीजें इस बारे में पूछते हैं, लेकिन रिकवरेबल है. तो मुझे एक बात, रिकवरी इसमें हो जाती है. ये इसमें और स्ट्रोक में कितना फर्क होता है? देखिए, स्ट्रोक जो है वो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करेगा, हेडेक होगा, पेशेंट को बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और उसकी पूरी एक साइड इन्वॉल्व होगी क्योंकि खून की रग बंद हो जाती है ना, तो क्लॉट बन जाता है. एग्जैक्टली, अनेबल टू स्पीक, राइट हैंड में वीकनेस, लेकिन कुछ सिम्टम्स इसमें मिमिक करती हैं, लेकिन उसके साथ फेस भी होगा तो अपर मोटर, तो इस तरह से पूरी बॉडी का एक हिस्सा जाता है. इसमें फर्क सिर्फ ये है कि सिर्फ फेस इन्वॉल्व है, तो यू पेशेंट पेशेंट जो है, जो बेल्स पाल्सी की आपने बात की, वो बात करता हुआ हमारे पास आएगा, वो बोलेगा, वो वैलिड होगा, बोलेगा कल रात में ठीक था, अचानक से मैं सुबह को उठाऊ, मुझे ये चीज है. अच्छा, उसके हाथ पांव सही चल रहे हैं, सिर्फ फेस, फेस उसका, जैसा फेस, फेस लेकिन ये बताएं आप स्पेसिफिकली ये ठंडे वेदर में होता है? जी हाँ, हमारे यहाँ बच्चा कैसे जाए, क्या बचने के तरीके हैं इससे? यूजली देखें, उन्हीं में होता है जैसे मैंने कहा, जो अम्यूनो कम्प्रोमाइज हो या चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह इस मौसम में ज्यादा होता है, तो वायरसेस बहुत कॉमन लगते हैं, जिसमें हर्ब्स फैमिली हो गई, एब्सेंट बार वायरस हो गया, तो उसकी वजह से होता है. अगेन, पेशेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अम्यूनो कम्प्रोमाइज ना हो, मल्टीविटामिन्स वगैरह ली जाती है, लेकिन यू कांट से कि किसको होगा. 10,000 में 4% लोगों को होता है, समझे कि 10,000 में से 4 से 6 लोगों को ये लगता है अमूमन, तो वी कांट सजेस्ट कि किसको लगेगा किसको नहीं, लेकिन क्योंकि ये प्रिवेंटेबल भी नहीं है. एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि अगर जो मल्टीविटामिन फुली रिकवर हो जाए. एग्जैक्टली. अच्छा, लेकिन वैसे दुनिया भर की परसेंटेज इससे थोड़ी कम है. दुनिया भर में रिकमेंड ये कहा जाता है कि 70% रिकवर कर जाते, 30% ऐसे होते हैं थोड़ी सी एसिमेट्री उनमें आ जाती है, कुछ टाइटनेस आ जाती है मसल, कुछ एक साइड से थोड़ा सा. बहुत रेयर, बहुत कम, बहुत कम. दैट इज, दिस इज अ वेरी रिकवरेबल डिजीज. जितनों का हमने इलाज किया है, बहुत बात, ये आपने अच्छी बात की, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कितनी जल्दी आता है. अच्छा, कुछ लोग बहुत डिले करके आते हैं, मेडिकेशन में डिले करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग इसको साइनस से रिलेट कर देते हैं, अपने तौर पे समझते होंगे, स्ट्रोक ले लेते हैं या किसी फिजिशियन के पास जाते हैं. मुझे एक बात बताएं कि इसका मौसम से आपने ताल्लुक बताया, तो पाकिस्तान के अंदर स्टैटिस्टिक्स वैसे कुछ स्टडीज पे की गई है पाकिस्तान में? एग्जैक्ट स्टेटस पे क्योंकि या दुनिया भर में जहां पर की गई है, तो वहां का वेदर के साथ इसका कोरिलेशन क्या है? मिसाल के तौर पर मेरा सवाल इसमें यह है कि एक शख्स या कुछ लोग जो कि सर्द तरीन मौसम में रहते हैं, स्कर्दू की साइड पे, इस्लामाबाद की निस्बतन थोड़ा सा, या क्वेटा की, उनको ज्यादा होने के चांसेस हैं या ये कुछ? अच्छा, ये अम्यूनो कम्प्रोमाइज उनका जो पैदाइशी होता है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, तो उनमें कंपैरेटिवली कम होता है. Okay. हमारे यहाँ ज्यादा है. अगेन, ये वायरस और चेस्ट इन्फेक्शन के ज्यादा रिलेटेड है, तो वहां पर क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप हुई है कि उनको इस तरह की चीजें पैदाइशी तौर पर उस जेनेटिकली उस माहौल में रहे हैं कि उनको कंपैरेटिवली कम होता है. हमारे यहाँ जिस तरह सर्दी बहुत सीजनल है, तो हमारे यहाँ इस तरह ही रशिया में आपको इतना कम मिलेगा, होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं होता. बहुत उसका रेशो भी एग्जैक्टली, तो उनके जीन्स में इस तरह की डेवलपमेंट हो जाती है. बाकी इन द लास्ट कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती, क्लिनिकल डायग्नोस हम इनके ब्लड टेस्ट भी इसके कोई नहीं है जो इसका पता चला. चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी साहब. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.